हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बना रहे हैं ये राम जी का ड्राइंग, जो ये पिक्चर में आप सब देख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप सबको ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करना सिखा देंगे। इसे आउटलाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे करीब 14 लाइन और 14 और 20 का मैंने इस पे लाइन दिया है। एक साइड से 1 2 3 करके 14 इस साइड से, और इधर 20 लाइनिंग लिया है। ये दोनों को लाइनिंग के एक दूसरे के तरफ बांटने के बाद हमको यहाँ पे देखना पड़ता है किस फेस में कौन सा, किस नंबर पे कौन सा पार्ट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये वाला पिक्चर है, तो हम देखेंगे ये वाला आईज है तो किसके बीच में है, तो इधर से 8 और इधर से 7, 7 और 8 के बीच में ये आई है, तो यहाँ पे हम आई बनाए हैं। इसी तरीके से करके हर एक पार्ट को इस बॉक्स के अंदर इस बॉक्स में से देखते हुए यहाँ पे हमने बनाया है। आप सब वीडियो के माध्यम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। चलो इसे बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है ये वाला पिक्चर। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने A3 साइज का पेज ले लेते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको साइज पे इसे नहीं बनाएंगे, इसे बनाएंगे तो A3 साइज में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, A3 साइज पे ऊपर वाला साइज में 2-2 सेंटीमीटर का 14 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसका मार्क कर लेते हैं। ऊपर भी 14 लाइन और नीचे भी 14 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2-2 सेंटीमीटर में। जब ये दोनों हो जाता है तब क्या करेंगे, दोनों को मिला के हम लोग लाइन खींचेंगे। जैसे कि दोनों को मिला के हम ग्रिड मेथड ऐसे ही यूज करते हैं, तो इसी तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसको नीचे से भी कंप्लीट कर लेते हैं। जब ये चारों तरफ से कंप्लीट हो गया तब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड से हमको ये बनाना पड़ता है, तो इधर से भी हम 2-2 सेंटीमीटर का 20 लाइन खींचेंगे, इसलिए कि ऊपर का एरिया कम होता है, लेंथ ज़्यादा होता है, वाइड कम होता है, इसलिए उधर 14 आया था और इधर लाइनिंग 20 आया था। सबको मिलाने के बाद 14 और 20 का लाइनिंग आया, 2-2 सेंटीमीटर का बॉक्स बना है। तो इस तरीका से करके मैंने एक्यूरेट बॉक्स मैंने बना लिया। अब मैंने क्या करना है, इसको बनाना है, स्टार्ट करना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आँख है कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर, और इधर से ऊपर से अब देखेंगे हम लोग कितने नंबर पर हैं। ऊपर से भी मैंने देख लिया और नीचे से भी मैंने देख लिया, तो ऊपर से हम काउंट करते हैं तो 8 नंबर पे आता है, और साइड से काउंट करते हैं तो 7 नंबर पे आता है। यानी 7-8 वाला जो बॉक्स है उसी बॉक्स के अंदर हमको आइज बनाना है। जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल के पिक्चर में, उसी के बीच में ये बनाया गया है। अब इसे धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे थोड़ा बहुत बीच में गलती होता है तो उसको मैंने इरेज करके मैंने कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप सबसे भी होगा, सबसे होता है उस तरीका से, आप लोग बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ऐसे ही करके हर एक बॉक्स में हर एक के जो भी पार्ट दिया होगा उस पार्ट को हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि हमारा ये जो आँख है, दोनों आँख हो गया है और आईब्रो भी हो गया है, तो अब क्या करना है, अब इसका नोज़ बनाना है। तो देखेंगे उसके नीचे वाला एकदम एक्यूरेट नीचे वाला लाइन है, उसके नीचे वाला लाइन पे नोज़ बना है, उसके नीचे लिप्स को भी देखेंगे किस बॉक्स से होते हुए किस बॉक्स तक गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को मैंने ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो फेस का आउटलाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो इसको देखना है कहाँ से कहाँ तक इसका लाइनिंग एक दूसरे से अटैच हो रहा है। जैसे कहने का मतलब एक बॉक्स से होते हुए दूसरे बॉक्स के कॉर्नर के तरफ जा रहा है। ऐसे ही कर कर के धीरे धीरे करके सभी जो भी इसमें पार्ट दिखाई दे रहा है जिस बॉक्स के अंदर, उस सभी बॉक्स में एक एक पार्ट को मैंने बना रहे हैं, और किस बॉक्स से होते हुए किस बॉक्स में जा रहा है उसको भी मेजरमेंट करके ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ इसका नोज़ है, कहाँ से कहाँ आइज है, कहाँ से कहाँ ईयर है, हर एक चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। अब हमारा बारी आ गया मुकुट बनाने का। तो मुकुट का जो भी पार्ट है, सबसे जो बड़ा वाला पार्ट है उसका डिटेलिंग करते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब हम उसके ऊपर वाला हिस्सा को डिनोट ड्रॉ करेंगे। तो ये साइड से जो व्यू दिखाई दे रहा है इस तरीका से, जो अभी मैंने डिजाइनिंग कर रहे हैं मुकुट में, इस सब चीज़ को ये बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा था। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से हम दोनों तरफ से मिला देंगे, तो ये प्रॉपर एक्यूरेट हमारा मुकुट बन जाएगा। जब ये कंप्लीट होगा तब इसके अंदर हम जो भी डिटेलिंग है उसको करेंगे। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही कंप्लीट किया जाता है ग्रिड लाइन मेथड का। और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए और लाइव वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम इसका लाइव वीडियो एक्यूरेट
टाइमिंग के साथ एकदम लाइव चला के आप सबके साथ अपलोड कर देंगे, आप सब वहाँ से देख सकते हो। चलो ऐसे ही धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, अब यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। आप लोग हाई होप कि आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चलो यहाँ पे आगे वाला पार्ट को बनाते हैं और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए किस तरीके से डिटेलिंग किया जाता है, और उसी तरीके से धीरे धीरे करके मैंने डिटेलिंग करना है। आप लोग देखिए और बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ से म्यूजिक चालू करके यहाँ से आगे ड्रॉ करते हैं। जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसे ग्रिड लाइन मेथड कहते हैं। ग्रिड लाइन मेथड के थ्रू किस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर किया जाता है, अगर आप सब सीखना चाहते हो तो इसका पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अगर उसे आप लोग सीखना चाहते हो देखकर तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम पूरा फुल ट्यूटोरियल्स दिखाएंगे किस तरीके से इसे हम फिनिशिंग किए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें, किस तरीके से बन रहा है आप सबको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखने को मिलेगा। और मिलेंगे वीडियो के एंड में, आप सबसे कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा जिस तरीके से पता चले कि आप सब किस टाइप का वीडियो चाहते हो, उसके बाद हम सब आपको एक ट्यूटोरियल्स वीडियो बना के अपलोड
Ram Siya, Ram Siya,
अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग के लिए आ जाएगी। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो विनंदन अंजन पुत्र पड़े जन्मों जन्म कहिए साथ है मेरा कतु भजन भजते हरि पवन तुलसी में भी लिखिए बात अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग के लिए आ जाएगी। कौशल्या दशरथ के नंदन
अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग के लिए आ जाओगी? कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया
अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाओगे? कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय दशरथ के नंदन
Yeah.
दिशा जन्मों जन्म का ही साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन तुलसी में भी लिखी बात का
जन्म का ही साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी बात I'm
मंगल भवन अमंगल हारी
अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग के लिए आ जाओगे? कौशल्या दशरथ के